इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराते हुए इसे रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड पर सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 से चुनावी बॉन्ड का पूरा हिसाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को सार्वजनिक करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना आयकर अधिनियम की धारा 139 द्वारा संशोधित धारा 29(1)(c) और वित्तीय अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित धारा 13(b) का प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण और प्राप्त सभी जानकारी जारी करेगा। उन्हें 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग को सौंप देगा। ECI इसे 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। साथ ही राजनीतिक दल इसके बाद खरीदारों के खाते में चुनावी बॉन्ड की राशि वापस कर देंगे। इस फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि चुनावी बॉन्ड में कारोबारी घरानों से लेकर कई लोग राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देते हैं। जैसे 2021-22 में BJP को 614 करोड़ चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला था, वही कांग्रेस को 95 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला था, जबकि तीसरे नंबर पर NCP थी जिसको 57 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो आपने जान लिया, लेकिन ये चुनावी बॉन्ड था क्या इसे भी समझ लीजिए। चुनावी बॉन्ड ब्याज मुक्त धारक बॉन्ड या मनी इंस्ट्रूमेंट था जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता था। ये बॉन्ड 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए से लेकर 10,00,000 और 1,00,000 रुपए से गुणकों में बेचा जा सकता है। किसी राजनीतिक दलों को दान देने के लिए उन्हें KYC अनुपालक खाते के माध्यम से खरीदा जा सकता है। राजनीतिक दलों को उन्हें एक निर्धारित समय के अंदर ही भुनाना होता था। दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी दस्तावेज पर दर्ज नहीं की जाती है और इस प्रकार चुनावी बॉन्ड का गुमनाम कहा जाता है। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाले चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनावी बॉन्ड अब अतीत की बात हो गई है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही तमाम वीडियोज के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।